हर हर महादेव। लंगर वालों ने बना रखा है यहाँ पे, बहुत सुंदर। हर हर महादेव। पानी तो बहते रहिए, देख रहे हो नीचे बह रही है नदी। तो वहाँ से आ रही है, कोई कौन वहाँ से आ रही है जगह। यहाँ पे नदी है भाई साहब, इतनी नदियाँ है कि आप मिलते मिलते थक जाओगे। आई लव माई माता, आई लव महादेव। हर हर महादेव। बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा हाथ ऐसे हो गए। सुन अभी खा के निकला हूँ, धूप हो रखी है, देख रहे हो कभी वहाँ धूप है, यहाँ छाया, कभी ठंड कभी धूप, यही चल रहा है बस। मौसम बदला जा रहा है, अब बहुत बुरा हाल है। जय हिंद। ये हमारी पोस्ट है, पोस्ट पत्री की, आर्मी की, ज़्यादा में दिखा नहीं सकते मुझे। आ जाओ चलो। अरे नीचे नीचे ये सारा, चलो वहाँ तक जहाँ तक चलते वहाँ तक चले। ये देखो नीचे आप वहाँ जा सकते हो, तब क्यों ना पैदल जाएंगे आराम से, क्योंकि घोड़ा पोड़ा ले काम कर ली थी। जय हिंद सर। जय हिंद। यहाँ पे देखो हमारी आर्मी है, आप दवाई बीपी लो, मतलब सब कुछ चेक करा सकते हो और घर पे कॉल भी कर सकते हो। अगर आपकी सिम बंद है, नंबर नहीं लग रहा है, तो घर वाले चिंता ना करें, आप कॉल कर सकते हो फ्री में, वो भी आपकी सेवा के लिए, सेवा के लिए तत्पर है। हमें मैडम ने कराया, इनका बीपी लो है, मेरा बीपी लो है। मैंने बोला था कॉफ़ी पी लो, लेकिन सुनती नहीं। मेरे को ठंड बहुत लग रही है, और ठंड है भी एक्चुअली, इतनी ठंडी हवा चल रही है। मैंने बोला था कॉफी पी लो, पीना मुझे नहीं पीनी। दूध पीना चाहिए जब ठंडा लगे तो, दूध लेना चाहिए उसमें थोड़ा सा। नहीं बीपी लो हो रहा था, मैंने कहा कॉफी पी लो। बीपी जब लो हो ना तो नमक वाला खाना चाहिए। हाँ वो मेरा डंडा, डंडा इनको दे दीजिए ना। वही भूल गई, लेके आओ, मैं खड़ी हूं। मतलब डंडा भूल गया। हर हर महादेव। भाई पोस्ट पत्री से निकले है तो रास्ता समतल देख रहे हो आप जैसे, है ना। यहाँ भी थोड़ी थकान तो हो जाती है, तो नहीं वैसा है ना, उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ। हाँ और थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा ऑक्सीजन की मुझे कमी लगे थोड़ा, क्योंकि सर में ना दर्द हो रहा है। वो तो रहा मैं कल से ही, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे नहीं है। देख रहे हो आप, कहीं भी पेड़ नहीं है, कहीं भी आपको पेड़ मिलेंगे पिस्सू टॉप तक बस, उसके अलावा बाद में पेड़ नहीं है, बस छोटे छोटे में। ये हरियाली घास दिख रही है आपको, और ये पेड़ चल रहे हैं यहाँ पर, ये पेड़ बस यही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। और आगे भी देख रहा, आगे तो कुछ है ही नहीं, पेड़ वेड़ कुछ है, बस बर्फ़ दिख रही है ऊपर हल्की हल्की, और नीचे थोड़ी नीचे नीचे हम चल रहे हैं। बंदों को तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई, लोग वापस चले गए आर्मी। और भाई जिसे दमा की प्रॉब्लम होगा ना, बिल्कुल मत आना, आना लेकिन घोड़ा कर लो या हेलीकॉप्टर से आ जाओ सबसे बढ़िया। अगर है प्रॉब्लम पैदल चलना चाहते हो तो मत आओ, ठीक है, क्योंकि दो बंदों की डेथ हो चुकी है, उनके पास वो भी नहीं था जो लेते ऑक्सीजन, दमे के भी मरीज थे वो, क्योंकि वहाँ चढ़ी खड़ाई, जो पुराना रास्ता था वो तो कर दिया घोड़ों के लिए और नया रास्ता बना दिया भक्तों के लिए। तो वहाँ जो थोड़ी खड़ी चढ़ाई है शुरू स्टार्ट में जो चंदनवाड़ी से, और हम रुक रुक के एक दूसरे का सहारा लेते हुए जा रहे हैं, महादेव का नाम लेते हुए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर कह ले रहा रास्ता डेंजरस है, देख रहे हो ज़्यादा मन चल रहा है। दुर्लभ रोड है, दुर्लभ। कई भेड़ बकरी वालों ने बनाए हुए रास्ते, वो रास्ता तो वो नीचे से जा रहे, घोड़े आ रहे हैं, घोड़े के मारे में ऊपर से आ रहे हैं, साले तंग कर देते हैं। चैट चैट हड़े उड़ू घोड़े, पता नहीं कब ठोके मार के पक जाए हमें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई देखो पैदल जा रहा है, यात्रा कर रहा है। मांगे भी महादेव। भैया थक गए हम तो, थोड़ा सा लेट के रेस्ट कर रहे हैं, ऊपर धूप है, सूर्य देवता देख सकते हो आप।
लेकिन यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कूल, जिस वजह से हम यहाँ पे लेटे हुए हैं। पूरा शरीर टूट गया। पहले हम चढ़ाई पे चढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे घुटने दर्द कर रहे थे, और अब यहाँ से उतर रहे पोस्टपत्री के बाद से सब प्लेन है, तो यहाँ पे मेरी एड़ी दर्द कर रही है क्योंकि पीछे का बाह पड़ रहा है, वजन पड़ रहा है, इसलिए अब ये कह रही रेस्ट लेना रेस्ट लेना। तो मैंने कहा चलो, दर्द हो रहा बहुत पैर पैर में दर्द होता है, क्या होगा, हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे आज हमारा स्टे होगा पंचतरणी में, उसके बाद वहाँ से सुबह सुबह अपना नहाएंगे धोएंगे और सीधा गुफा के दर्शन करेंगे भोले शंकर के। उसके 4 किलोमीटर जाना है चल के पैदल। हाँ, फिर 4 किलोमीटर पंचतरणी से, क्या, हाँ, पंचतरणी से फिर 4 किलोमीटर जाना है पैदल, फिर दर्शन करने हैं भोले बाबा के, दर्शन करके फिर वहीं से उसी दिन बालटाल निकलना है हमें, क्योंकि उस रोड पे कोई नहीं मिलता है, रुकने भी नहीं देता, कोई फैसिलिटी भी आपको नहीं मिलेगी लंगर वगैरह की। हर हर महादेव। चलो, ये खड़ी चढ़ाई है, देखो एकदम यहाँ उतर के हमें वहाँ जाना है फ्लाईओवर पे, और सामने ये है मेडिकल, आएगा मेडिकल से लेना है। भाई हमने यहाँ पे 1 घंटा रेस्ट करा, आर्मी भी थी हमारे बगल में, उधर चेक पोस्ट लग रही उनकी, अब बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने अपने हमारे सिम चल नहीं दिया, पर हमने सिम ली भी नहीं वहाँ के लिए, 1 सेकंड जाओ बस, तो हमारी सिम तो चल नहीं रही दिल्ली के बंद हो गए पठानकोट से ही, तो हमने ली भी नहीं, क्योंकि 4-5 दिन की बात है क्या सिम खरीदे। तो यहाँ हमारे साथ थे जो बस में आए थे, उनके फ़ोन से काम चला रहे, आर्मी के यहाँ से बेस कैंप से भी कर सकते हो, बस खबर घर पे खबर ही तो देनी है, सब ठीक ठाक है। और वैसे भी आर्मी है यहाँ पे, लंगर, मतलब सब कुछ है, जो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हर चप्पे चप्पे पे हमारी आर्मी खड़ी है, चप्पे चप्पे पे, किसी की हिम्मत नहीं है कुछ कर दे, ठीक है, इसे बेचिंता हो यात्रा करने, कोई दिक्कत नहीं, पहले होती थी, अब नहीं है वो टाइम, अब सरकार पता ना किसकी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रेस्ट कर लिया, थोड़ा आराम मिल गया, अब चलने में भी अच्छा लग रहा है। और देखो भीड़ है, ये भीड़ की आवाज़ है, आ कर रही है, कितनी सारी भीड़ है। ये देख सकते हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये अंकल हमारे से बोल, महादेव, हम आखिरकार पंचतरणी पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल, और आज डेट है, आज है 20 जुलाई, 20 जुलाई को हम यहाँ पहुंच गए। आज का हमारे यहाँ स्टे रहेगा, यहीं सोएंगे, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग नहा धो के नाश्ता वास्ता करके फटाफट हम सीधा निकल जाएंगे अमरनाथ गुफा के लिए। वहाँ यहाँ से है 4 किलोमीटर का ट्रैक, जो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि अभी उसके बाद वहाँ 2:30 बजे बंद हो जाता है, आगे नहीं जाने देते किसी को। अब जो भी पोस्टपत्री से या वहाँ से आ रहे हैं, बस उन्हीं लोगों को यहाँ पे लेंगे, उससे अलावा कुछ नहीं। हाँ, तो आज यहाँ का रेस्ट रहेगा हमारा, फिर कल यात्रा करने निकलेंगे आगे, और सुबह सुबह निकल जाएंगे 3 बजे करीब, और वहीं से वहीं बालटाल के लिए हम वापस हो जाएंगे, मतलब 21 तारीख को हम दर्शन करके सीधा वापस अपने बालटाल। फ्लाईओवर आ गया, ये सारा काला पानी, ये है ये जो पत्थर रखे हैं ना काले काले, इन्हीं पर घिस घिस के पानी आ रहा है सारा, ये सामने हो रहा पंचतंत्री टॉप। चलिए, हर हर महादेव। तो बस हम पहुंच गए पंचतरणी, ये पंचतरणी है, यहाँ पे पंचतरणी नाम क्यों पड़ा, नाम इसलिए पड़ा, महादेव जी यहाँ पे आ रहे थे कथा सुनाने के लिए, तो उन्होंने अपने 5 तप्त जो त्याग करे थे, उसके वजह से पंचतरणी नाम पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ हमारे हिंदू भाइयों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, कहते हैं 5 नदियों का पानी जो है मिलान होता है, इसलिए पंचतरणी का नाम है, ऐसा नहीं है। पहले आप पढ़ो सुनो, आजकल तो YouTube पे भी सारी जानकारी मिल जाती है, तो गलत जानकारी ना दे, अपने हिंदू हो तो अपने धर्म के बारे में अच्छी तरह जानकारी रखो। तो हर पंचतरणी की ये स्टोरी है कि जब भगवान
वहाँ से गणेश टॉप से आगे निकले थे गणेश जी को वहाँ छोड़ करके, यहाँ आकर के भगवान ने अपने पांच तत्व त्यागे थे, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा पंचतरणी। पांच तत्व उनका जो था, क्षेत्र जल पावक गगल समीरा, जिससे हमारी बॉडी बनती है, उस चीज को भगवान ने यहाँ त्याग दिया था। उसके आगे फिर गुफा में गए थे पार्वती के साथ। हर हर महादेव। तो कैसी लगी जानकारी आपको? तो जानकारी ध्यान जरूर। अब देखो पंचतरणी हम पहुंच चुके हैं, हर हर महादेव। पूरा एरिया मैदान है, मैदानी। हाँ, इधर थोड़ी देर हम बैठेंगे, रेस्ट करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देख सकते हो ये है पंचतरणी, हर हर महादेव। यहाँ से भी आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे गुफा के लिए, लेकिन वहाँ का रेट मुझे पता नहीं। लेकिन आप पहलगाम से आना चाहते हैं यहाँ के लिए पंचतरणी तक, तो आपका है मालिक ने ऑनलाइन टिकटें बुक करानी पड़ती है, तो यहाँ का भी होगा आपका पंचतरणी का गुफा तक, वो अलग रेट होगा उसका। मैं अभी पता कर, ये अंकल की दुकान है 13,500 फीट पे पंचतरणी में, देख रहे हो। यहाँ मैगी बनवा रहे हैं, मैगी है 70 रुपये की। तो भाई वो चाहिए तो थोड़ा महंगा तो मिलेगी। अंकल मैगी खाओगे आप? थोड़ा सा मैगी खाओगी? अनंतनाग से। हर हर महादेव। अच्छा।